कहानी के स्टार्टिंग में हमें मू फैमिली का सन और शाओसी का फ्रेंड दिखाया जाता है, जो खुद की काफ़ी तारीफ कर रहा होता है और कहता है कि जैसे ही वो तेंकाई में आया, वहाँ की सारी लड़कियाँ उसे देखकर फ्लैट हो गई। वो कितना ज़्यादा यंग है और कितना अच्छा दिखता है। और इस पर उसका सर्वेंट उसका मूड ख़राब कर देता है ये बोलकर कि आप इतना ज़्यादा ना उड़े, क्योंकि आपके पास पैसे बहुत कम है और आपके फादर उसे पैसे देंगे भी नहीं। जिसे सुनकर ये कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि मुझे थोड़े पैसे कमाने की ज़रूरत है, अब तुम चुप रहो। जिसके बाद ये उसी बैंक्वेट में आता है जो कि साउसी ने रखा है, और इसको भी बुलाया गया था। और इसे देखकर बूजेन और शुरू ये काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उससे कहते हैं कि आपके पास टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे आ गए, कितना ज़्यादा अच्छा है, काश यहाँ पे तैंगला ही होता। और ये बोलने के बाद वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, क्योंकि जो तैंगला है वो मर चुका है और ये सबको पता है। जिसके बाद मू फैमिली का बेटा जो है वो ये सब बात करने से मना करता है और कहता है कि हमें अंदर चलना चाहिए। और आता ही वो सबसे पहले साउसी से मिलता है, और इस पर क्वेन लियू गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने सिर्फ साउसी को देखा और मुझे नहीं देखा। जिस पर मू फैमिली का सन कहता है कि साउसी मेरा फर्स्ट फ्रेंड है, तो मैं सबसे पहले उसी से मिलूंगा और बाकी सबसे बाद में। और यहाँ पे अपना नाम भी बताता है, जिसका नाम है चुआन फैंग। जिसके बाद ये सब लोग आपस में काफ़ी सारी बातें करते हैं, और चुआन फैंग बताता है कि वो यहाँ पे एक बिजनेस के लिए आया था, इसीलिए साउसी से मिलने आ गया। जिसके बाद साउसी जो है वो गैम्बलिंग हाउस के ओनर को कहता है कि इनके लिए स्पेशल सीट प्रिपेयर करें, जो कि रूल्स के अगेन होता है, लेकिन वो फिर भी प्रिपेयर कर देते हैं। और मू फैमिली के सबसे छोटे बेटे के यहाँ आने के बाद बाकी सारे लोग भी आने लग जाते हैं। और यहाँ पे चुआन फैंग के लिए स्पेशल सीट इसलिए बनाई गई थी क्योंकि उसे इनविटेशन कार्ड नहीं मिला था, बल्कि वो यहाँ पर खुद से आया था। उसके आने से काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था, साउसी की थोड़ी देर पहले बहुत सारी तारीफ की थी, जिस वजह से यहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं। इसके बाद साउची को दिखाया जाता है, जिसको पता चलता है कि मू फैमिली का सबसे थर्ड ब्रदर जो है वो साउसी से मिलने आया है उसके बैंक्वेट में, और उसके जाने के बाद बहुत सारे लोग वहाँ जाने लगे हैं। जिसे सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन उसके आने से भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ कॉमन लोग ही आएंगे और कोई भी नहीं जाएगा। और साउचोंग को भी ये बात पता चलती है कि मू फैमिली का थर्ड ब्रदर जो है वो साउसी से मिलने गया था गैम्बलिंग हाउस में बैंक्वेट में। वो दोनों के दोनों साउची और साउचोंग इसी बात का डिस्कशन कर रहे होते हैं अपने अपने सर्वेंट के साथ। जिसके बाद हमें गैम्बलिंग हाउस के ओनर को दिखाया जाता है, जिसके पास जूई आता है। वो कहता है कि हमें बैंक्वेट को स्टार्ट कर देना चाहिए, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद गैम्बलिंग हाउस का ओनर साउसी के पास आता है ये बात बोलने के लिए कि उसे बैंक्वेट स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन जो साउसी है वो उसे इंतजार करने के लिए कहता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है अंकल यी जो है, जिनका पूरा नाम यूली है, जिन्हें मैं यू कहती हूँ, वो यहाँ पे आते हैं बैंक्वेट हाउस में बैंक्वेट के लिए। जिसे देख के तो गैम्बलिंग हाउस बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि गैम्बलिंग हाउस में इतने बड़े पर्सन आएंगे। और ये अंकल यी के साथ ग्रेट प्रोपेक्टर भी आते हैं उस गैम्बलिंग हाउस में। जिसके बाद जूयो और गैम्बलिंग हाउस के ओनर जो है वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि ग्रेट प्रोप्राइटर भी यहाँ पे आ गए, जो गवर्नमेंट्स के हेड है और सारे मैटर्स को हैंडल करते हैं। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि आखिर वो यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। और यही बात गैम्बलिंग हाउस का ओनर साउसी से पूछता है, जिसके बाद वो बताता है कि ग्रेट प्रोपेक्टर को अंकल यानी ने बचाया था, वो भी अपने स्क्वाड से। एक टाइम पे जब वॉर हो रही थी तो उसमें मेन हेड थे ग्रेट प्रोपेक्टर, और इसीलिए वो यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे ग्रेट प्रोपेक्टर और वूजन को दिखाया जाता है, जो कि वूजन की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं कि वो इतनी छोटी सी उम्र में भी काफ़ी ज़्यादा ब्रेव है, उसके बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा सुना है। और वूजन भी अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उन्हें ग्रीट करता है। अंकल यी और ग्रेट प्रोपेक्टर के अंदर आने के बाद साउसी उन्हें लेने जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। और ग्रेट प्रोपेक्टर जो है वो साउसी को देख के काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि वो वापस आ गया, वो पहले की ही तरह काफ़ी ज़्यादा यंग और ब्रेव है। जिसके बाद हमें एक ब्लैक ड्रेस में एक पर्सन को दिखाया जाता है, जिसके पास एक सर्वेंट होता है, जो उसे बताता है कि अंकल यी जो है वो वहाँ पे गए हैं, जो कि डायरेक्टर ऑफ नेशनल है। और इस बात को सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और उन्हें यकीन ही नहीं होता कि गैम्बलिंग हाउस में इतने बड़े पर्सन आखिर कैसे जा सकते हैं। वो इस बात पर बिलीव कर ही रहे थे, तभी उनके पास एक और सर्वेंट आता है और उन्हें बताता है कि वहाँ पर ग्रेट प्रोप्राइटर डोंगजी भी गए हैं। और इसे सुनने के बाद तो वो शॉक के मारे खड़े ही हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा होता। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि अंकल ये और ग्रेट प्रोप्राइटर के आने के बाद बहुत सारे नॉर्मल पर्सन भी वहाँ पे आ रहे होते हैं, और अभी तक ऑलमोस्ट गैम्बलिंग हाउस में सभी लोग आ चुके होते हैं। जिसको देख कर क्वेन ली उससे पूछती है कि क्या वो दोनों प्रिंस का वेट कर रहा है। जिसके बाद हमें साउचोंग को दिखाया जाता है, जिसका सर्वेंट उसे कह रहा होता है कि अंकल ई और ग्रेट प्रोप्राइटर भी वहाँ पे गए हैं। जिसे सुनने के बाद साउचोंग को भी यकीन नहीं आता कि डायरेक्टर ऑफ नेशनल, जो कि ऑल सिविल्स और मिलिट्री को हैंडल करते हैं, वो वहाँ पे गए हैं ग्रेट प्रोप्राइटर। जरूर साउसी ने उन्हें फोर्स किया होगा अपने बैंक्वेट में आने के लिए। ये सब देख के जो साउचोंग का सर्वेंट है वो कहता है कि मुझे लगता है कि आपको भी वहाँ पे जाना चाहिए। और हमें साउची को भी दिखाया जाता है, जिसका सर्वेंट उसे ये सारी चीज़ें बताता है, और उसे भी यकीन नहीं होता कि आखिर वो वहाँ पे कैसे चले गए, लेकिन वो तो सीधा मना कर देता है और कहता है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ हो जाए। ये ज़रूर साउसी की कोई ना कोई चाल है, उन्होंने अंकल ई और ग्रेट प्रोफेक्टर को फोर्स किया होगा। हमें दोनों के सीन साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों अपने सर्वेंट के साथ यही चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं, कितना ज़्यादा डिस्कस करते हैं दोनों। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है अंकल ही को, जो कि साउसी के पास आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अभी स्टार्ट कर देना चाहिए बैंक्वेट। जिस पर साउसी जो है वो उन्हें इंतजार करने के लिए कहता है, लेकिन अंकल ही कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे आएंगे, इसलिए तुम्हें बैंक्वेट स्टार्ट कर देना चाहिए। जिसके बाद साउसी स्टार्ट करने वाला होता है बैंक्वेट, लेकिन तभी वहाँ पे स्टेट परफेक्ट आ जाते हैं और कहते हैं कि अभी तक मैं आया भी नहीं और तुमने बैंक्वेट स्टार्ट कर दिया। जिन्हें देखकर जो साउसी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है
और शासी को लगा नहीं था कि स्टेट प्रोफेक्ट यहाँ पे आएंगे, लेकिन वो आ जाते हैं। और यहाँ आने के बाद स्टेट प्रोफेक्ट एंड ग्रेट प्रोपाइटर भी मिलते हैं, जो कि काफ़ी सालों बाद मिले हैं, जो कि एक दूसरे को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और अपने यहाँ आने का रीज़न बताते हैं कि अगर शाओसी ने हमारे प्रिंस ने इनवाइट किया था तो वो आखिर कैसे मना कर सकते थे। एंड प्रोपराइटर बताते हैं कि वो यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब हमें बताया गया था कि माउंट वेंगचन से उनसे कोई मिलने आ रहा है। आई थिंक मैंने कल के एपिसोड में वुशियांग सिटी बोल दिया था, ये माउंट वेंगचन से आए थे और ये दोनों वही है जो कि ली वुजिन के साथ फाइट करने के लिए गए थे योंगे से, जिन्हें देख के स्टेट परफेक्टली खुश होते हैं और कहते हैं कि वो डायरेक्टर ऑफ एस्ट्रोनॉमी के होने वाले फ्यूचर हैं। सो वो किसके लिए आए हैं वो यहाँ बता सकते हैं। फू शोंग और फिर सोंग दोनों ने रिक्वेस्ट की थी कि वो शाओसी के बैंकवुट में जाए, अगर स्टेट परफेक्टली वहाँ पे जाएंगे तो शाओसी को काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी और उन्हीं की बात मानकर वो यहाँ इस बैंकवुट में आए हैं। उसके बाद अंकल ये के कहने पर बैंकवुट स्टार्ट कर दिया जाता है, लेकिन फिर से बैंकवुट रुक जाता है क्योंकि साउचोंग और साउची दोनों वहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें न्यूज़ मिली थी कि स्टेट परफेक्टली भी यहाँ पे आ चुके हैं और अभी तक 20 मिनिस्टर्स और बहुत सारे मेन लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अगर वो दोनों मिस रहेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा और इसीलिए वो यहाँ पे आ जाते हैं और रीज़न ये बताते हैं कि आखिर उसके छोटे भाई ने बैंकवुट रखा है तो वो कैसे मना कर सकते थे। और आने के बाद यहाँ पे इन तीनों के बीच में ही काफ़ी सारी बातों से ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है और थोड़ी देर बाद बैंकवुट को स्टार्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे सभी लोग काफ़ी इन्जॉय करते हैं और हमें साउची को दिखाया जाता है जो सबसे ऊपर बैठा होता है। यहाँ पे साउचोंग और साउची आपस में ही लड़ रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी सालों बाद एक साथ खाना खाया होता है भी किसी बैंकवुट में, वरना ये सब तो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। और तभी वो ऊपर देखते हैं कि साउची के पास एक लड़की आई है जो कि कोई और नहीं बल्कि फेरी रुई है, जो उससे इस बैंकवुट के होने का रीज़न पूछती है। वो साउची बताता है कि वो सबको बताना चाहता था कि वो तेंकाई सिटी में वापस आ चुका है, जिस पर फेरी रुई उसे कहती है कि क्या उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सारी चीज़ें भूल गया है। इसके लिए साउसी मना करता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। जिसके बाद वो खड़ा होता है, वहाँ पे सभी लोगों को ड्रिंक ऑफर करता है और कुछ विशेष के बाद वो वाइन को नीचे गिराकर कप को तोड़ देता है और सभी लोग इसके रिएक्शन से काफी शॉक होते हैं कि आखिर वो कर क्या रहा है। जिसके बाद साउसी जाकर एक पर्दे को हटाता है जिसके पीछे एक बहुत बड़ा रॉक होता है जिस पर लिखा होता है लाइबिलिटी, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। जिसके बाद साउसी के पास वुजिन आता है और एक व्हाइट कलर की ड्रेस पहनाता है और साउसी जो है वो सभी लोगों को लास्ट डिश प्रिपेयर करने के लिए कहता है और रुई जो है वो विजिन को प्ले करती है और साउसी जो है वो अपनी स्कोर लेकर उस रॉक के ऊपर कुछ लिखने जाता है। और यहाँ पर क्वानलियू जो है वो ड्रम को प्ले कर रही होती है वही व्हाइट कलर की ड्रेस पहनकर, और साउसी जो है वो तैंगलाई के बारे में उस रॉक के ऊपर लिखता है और ये बात जो है वो चुआन फेंग समझ जाता है कि ये सब तैंगलाई के लिए है। और ये सब देखकर फेरी रुई की अभी आंखों में आंसू आ जाता है क्योंकि वो काफ़ी टाइम से तैंगलाई का वेट कर रही थी। जिसके बाद हमें रॉक को दिखाया जाता है जिस पर तैंगलाई के बारे में काफ़ी सारी विशेष और उसके बारे में लिखा होता है। और ये सब देख के साउचोंग का सर्वेंट जो है वो साउचोंग को यहाँ से जाने के लिए बोलता है क्योंकि यहाँ पे कोई गड़बड़ होने वाली है, लेकिन साउचोंग जो है वो जाने से मना कर देता है ये बोलकर कि हम शाओसी फैमिली से हम ऐसे भाग नहीं सकते। और सभी लोग इस चीज़ को देख के वाकई शॉक रह जाते हैं। जिसके बाद सभी लोगों को जो डिश दी जाती है लास्ट डिश उसका नाम टूसू राइस होता है, जो कि किसी इंसान के मरने के बाद खिलाया जाता है। और साउसी बताता है कि उसने सभी को टूसू राइस इसलिए दिया है ताकि वो सब उसे खा सके क्योंकि उसका कोई अपना स्पेशल इंसान मर गया है और ये टूसू राइस मरे हुए इंसानों की आत्मा की शांति के लिए खिलाया जाता है जो उनकी फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसीलिए सभी लोगों को इसे खाना होगा। और ऐसे ही वो बहुत सारी बातें बोलता है तैंगलाई के बारे में और उस टूसू राइस को खाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर चुआन फेंग को तो सारी चीज़ें पता होती है और इसीलिए वो उस राइस की बॉल को लेकर सभी लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बोलता है और कहता है कि हमें इसकी फैमिली की वैल्यू करनी चाहिए और इस टूसू राइस को खाना चाहिए। और वो उस राइस को खाकर स्टार्ट करता है और उसके खाने के बाद स्टेट परफेक्टली भी राइस को खाते हैं। उसके बाद हमें अंकल ही और ग्रेट प्रोपराइटर को दिखाया जाता है, जो यहाँ पे अंकल ही ग्रेट प्रोपराइटर को कहते हैं कि मुझे पता है कि आप साउथ से हो, और ग्रेट प्रोपराइटर कहते हैं कि हाँ मैं साउथ सिटी में, और वहाँ पे लोगों के मरने के बाद टूसू राइस खिलाया जाता है, लेकिन वहाँ से तेंकाई सिटी में आने के बाद उसे कई साल हो चुके हैं ये टूसू राइस खाए हुए और आज कई सालों बाद उसे ये खाने का मौका मिला है। जिसके बाद वो भी उस राइस को खाते हैं और उन लोगों को राइस खाता हुआ देखकर बाकी सभी नॉर्मल लोग जो है वो सब भी राइस को खाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद चैंग फेंग साउचोंग भी राइस को खाता है, लेकिन जो साउची है वो उस राइस को खाने के लिए मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है और उसे साउची रोकता है और उसे राइस बोल खाने के लिए कहता है। और साथ में फेरी रुई जो है वो भी उस नाइफ को लेकर खड़ी होती है ताकि वो यहीं पे रुके और उस राइस बोल को खाकर बैंकवुट को कंप्लीट करे। लेकिन तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि एम्परर वहाँ पे आ रहे हैं, जिसे सुनकर सभी लोग वहाँ पे उन्हें ग्रीट करने के लिए बैठ जाते हैं। और एम्परर यहाँ आने के बाद साउसी से मिलते हैं और उसे यहाँ पर तेंकाई सिटी में देख के काफ़ी खुश होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे आ गए, मुझे काफ़ी खुशी है, और इस बैंकवुट में कुछ बचा है तो वो उसे दे दे खाने के लिए, जिस पर साउसी कहता है कि सिर्फ टूसू राइस है, जिसे एम्परर ले लेते हैं और खाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद एम्परर को राइस बोल दिया जाता है और वो भी उस टूसू राइस को खाकर बैंकवुट को कंप्लीट करते हैं, जिसे खाने के बाद एम्परर कहते हैं कि लगता है कि कोई मर गया है और इसीलिए तुम ये टूसू राइस खिलवा रहे हो, जिस पर साउसी हाँ कहता है कि उसका एक स्पेशल पर्सन मर गया था, जिस पर एम्परर उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम अब बड़े हो चुके हो, अब तुम जो चाहे वो कर सकते हो, मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए भी नहीं रोकूंगा।
ये अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हो। जिसके बाद एम्प्रो वहाँ से जा रहे होते हैं और वो जिन से पूछते हैं कि क्या वो यहाँ रहना चाहती है, जिसके लिए जिन यस करती है क्योंकि शाओसी जो है वो जिन का काफी अच्छा फ्रेंड बन चुका था पिछली बार से। जिसके बाद एम्प्रो वहाँ से चले जाते हैं और शाओसी उस बैंक्वेट को खत्म करके सभी लोगों को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। और सभी लोगों के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पे क्वान लियू, रुयेई, शाओसी, जिन और वुजिन होते हैं। और शाओसी ने ये बैंक्वेट एक्चुअली में तैंगलाई के लिए ही रखा था, ना कि ये करने के लिए कि वो यहाँ पे आ गया है। और वो उस बैंक्वेट को सक्सेसफुल होता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि एम्परर ने भी तुसु राइस को खाया था। लेकिन इसी के साथ होता है आज का एक्सप्लेनेशन ओवर।